नमस्ते सभी को, लर्निंग टू ऑल। आज के इस संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए आज का हमारा जो विषय है उस पर चर्चा करते हैं। आज के सत्र में हम कुछ अलग विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे आज का हमारा टॉपिक है एंटी एजिंग फॉर्मुलेशन इन अफ्रीका। कौन नहीं चाहता कि हमेशा के लिए नौजवान रहे और उसकी त्वचा एकदम खूबसूरत हो। खूबसूरत होना ये सबका सपना होता है, बट हमेशा या हर बार हर किसी के लिए ये संभव नहीं हो पाता है। और इस खूबसूरती जैसे कि एजिंग ये होनी ही है, जैसे भी आप केयर करें, बट कुछ मायने में आयुर्वेद के फॉर्मुलेशंस के साथ और आयुर्वेद को अपनाकर हम एजिंग प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। और इसी को यत जरा विध्वंसनम तत् रसायनम। जरा यानी देखिए, आपको ऐसे लगता होगा कि रसायन का और एजिंग का क्या संबंध है। तो जैसे रसायन ये शरीर के धातुओं का जो क्षय है, नाश है, उसको एक प्रकार से डिले करता है। बस हमारा वही उद्देश्य है, क्योंकि एजिंग में क्या होता है, हमारी त्वचा दिन ब दिन उसका डिजनरेशन होता है। त्वचा स्थित जो टिश्यूज है वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं, हमारे चेहरे पर या शरीर पर जो भी एक रिंकल्स आते हैं, झाइया आती है, ये झाइया यानी इट इज अ ब्रेक डाउन ऑफ कोलेजन। कोलेजन क्या है? कोलेजन इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। हमारे शरीर में जो हम जानते हैं कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स है, फैट है, हमारी त्वचा इन सभी से बनी है। और इसी त्वचा में प्रोटीन एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में रहता है, और इसी का एक स्किन का जो लेयर है प्रोटीन का, इसी को हम लोग कहते हैं कोलेजन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसका प्रमाण अपने आप से घटने लगता है। इसी के लिए आयुर्वेद में जो उम्र घटने की जो प्रोसीजर है, इसको आयुर्वेद समझाता है कि ये एक प्रकार से देखा जाए तो पित्त की उष्णता के कारण, यानी उष्ण गुण इज रिस्पॉन्सिबल। स्किन एजिंग ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल कारण है और स्ट्रक्चरल कारण होते हैं। ज्यादा से ज्यादा मुख्य रूप से जो शरीर का हिस्सा, हमारे शरीर का जो अंग है, यानी त्वचा, यानी जैसे कि अभी हम लोगों के शरीर का मुख्य रूप से दो हाथ, एक्सट्रीमिटीज, अपर लिम्स, हाथ और चेहरा, ये ज्यादा से ज्यादा सन के एक्सपोजर में चला जाता है। और इसीलिए इसमें हमें ड्रास्टिक एजिंग के सिग्नल्स देखने लगते हैं, लाइक कि इपिडर्मिस लेयर थिकन हो जाता है, डीप रिंकल्स आते हैं, त्वचा की लैक्सिटी नमिक हो जाती है, त्वचा डल बनती है, रफ बनती है, और त्वचा में कुछ डिस्कस्कलरेशन भी हो जाता है। तो धीरे धीरे ये, जैसे हम लोग इसको स्किन सैजिंग भी कह सकते हैं, यानी इट इज नथिंग बट आपकी त्वचा में जो मॉइस्चर है, जो कफदोष है, वो कम हो रहा है और वात बढ़ रहा है। अभी वात बढ़ेगा तो त्वचा स्थित, टिश्यू स्थित, सेल्यूलर लेवल पर जो भी फ्लूड लेवल है, फ्लूड का प्रमाण है, उसको कम करेगा। वायु का मुख्य गुण वृक्ष है जो कि शोषण करेगा, और यही बढ़ता वायु हमारे त्वचा स्थित नमी को शोषित करता है। और धीरे धीरे फिर ये स्किन की इलास्टिसिटी कम होकर स्किन सैजी होने लगती है, और जो एक इपिडर्मल टर्न ओवर रेट होता है, यानी जो त्वचा बढ़ने का एक रेट होता है, वो भी धीरे धीरे लेंथन होता है। वुंड हीलिंग, जो पहले अगर जख्म होती थी यंग एज में तो जल्दी भरकर आती थी, एजिंग जैसे जैसे होती है देर इज अ स्लोअर वुंड हीलिंग प्रोसेस और लेस इफेक्टिव भी होती है। तो ये सारे चेंजेस वहां पर हमारे त्वचा में होना, ये बहुत ही कॉमन सी बात है। सो व्हाट आयुर्वेदा सेज सक्सेसफुल एजिंग। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदा पूरी तरह से आपको एकदम से यंग ही रखेगा, बट यू मस्ट लुक बेटर और बिल्कुल लाइक लुक यंगर। तो यंगर दिखना और अच्छा दिखना, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें कई सारे एंटी एजिंग अप्रोचेस है, जिसमें आप कॉस्मेटोलॉजिकल केयर ले सकते हो, डेली स्किन केयर रूटीन है, सन प्रोटेक्शन है। देखिए, मॉडर्न जो स्किन केयर रूटीन है, इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सन रे से प्रोटेक्शन, जिसके लिए सनस्क्रीन अपनाना, हमारे कल्चर में आयुर्वेदा में भी इसी प्रकार की कुछ हर्ब्स है। और दूसरा इसमें होता है कि एंटी रिंकल फॉर्मुलेशन, यानी त्वचा की जो झाइया है, नमी को बरकरार रखे, लैक्सिटी ना हो। आयुर्वेद में अलग तरीके से हम लोग इसको एजिंग को देखते हैं, जो रसायन के मिलता जुलता होगा। तो हम लोग केवल त्वचा की
एजिंग को नहीं देखते हैं। आयुर्वेद में रसायन रूप से एक ओवरऑल एजिंग का जो परिणाम होता है उसको अलग रूप से देखा जाता है, जिसमें आप रसायन यानी सभी मायने में आपको इस जरा से दूर रखने का प्रयास आयुर्वेद करता है। बट जैसे एलोपैथी में केवल यहाँ पे कुछ टॉपिकल एजेंट से मेडिसिन से जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में सेल रेगुलेटर के रूप में कुछ केमिकल पीलिंग होता है, डाइस एक लाइट का उपयोग किया जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, आजकल तो बोटॉक्स एंड इंजेक्टेबल स्किन बायोस्टिमुलेशन है जो कि स्किन को रिजिनेट करते हैं और रिंकल्स को कम करने में बेहद अच्छे वो साबित हो रहे हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं कोलेजन के बारे में और थोड़ा बताती हूँ कि कोलेजन क्या है। जैसे मैंने बताया कि ये स्किन के एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन मतलब त्वचा को बनाता है, ज्यादा से ज्यादा त्वचा का जो हिस्सा यानी 75-80% ऑफ आवर स्किन इज मेड ऑफ कोलेजन विच इज अ प्रोटीन। और बिल्कुल इसीलिए अगर आपके चेहरे का कोलेजन कम होता है तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वजन कम करने का प्रयास करते हैं। वजन कम करना यानी एक प्रकार से फैट सेल्स एडिपोज टिश्यूज को कम करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपकी त्वचा बार बार यूवी रेस या स्मोक है, पोल्यूशन है, डाइट स्ट्रेस को एक्सपोज हो रही है एंड तो आपके त्वचा का ये कोलेजन कम होता जाए। जैसे ही कोलेजन फटेगा ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स ब्रेक डाउन होने के साथ साथ फ्री रेडिकल्स डेवलप हो जाएंगे और स्किन थिन बनेगी एंड स्किन थिन होना विच एक्सिलरेट्स द प्रोसेस ऑफ एजिंग। यानी आपको क्या करना है, त्वचा में कोलेजन की मात्रा को बरकरार रखना, एक सिंपल फॉर्मूला, कोलेजन को अच्छा रखिए, कोलेजन को मत खोइएगा। और जैसे हम लोग फैट लॉस की ट्रीटमेंट लेते हैं, मेद का क्षय करने लगते हैं तो कोलेजन भी ब्रेक डाउन होता है। और इसीलिए आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो हम लोगों कोलेजन को बनाना है, बनाकर रखना है। और जो आयुर्वेद में अश्वगंधा जैसे कुछ तत्व है जो इससे भरपूर है, दे आर वेरी गुड एंड वेरी बेस्ट नॉट ओनली द रसायन बट रिजुनेटर्स, अश्वगंधा, बला, ब्राह्मी, ये तीन द्रव्य ऐसे हैं जो आपके स्किन पर कोलेजन को बूस्ट करने का, कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये ऐसा मत सोचिए कि केवल त्वचा पर ही हमें ये करना है। सो बहुत सारे छोटे मोटे जो प्रोडक्ट्स है इसको भी हम लोग जानेंगे या इसका कैसे यूज करना है इसको भी हम लोग जानेंगे। तो इसीलिए मैंने बताया कुछ मॉडर्न इसमें सिस्टमिक एजेंट्स में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चलती है, एंटीऑक्सीडेंट, आजकल पार्लर्स में भी O2 वाला फेशियल किया जाता है, हाइड्रोजन रिच फेशियल, ऑक्सीजन रिच फेशियल किया जाता है। और आपको ज्यादा से ज्यादा जो फैक्टर्स है, एक्सोजीनियस फैक्टर जो है, इसमें स्मोक है, पोल्यूशन है और आईवी यूवी रेज है, आजकल बड़ा प्रचलन है। थोड़ा कुछ हो जाता है तो एक्सरे निकालो, इन्वेस्टिगेशंस करो, एमआरआई करो, बट ये आप बिना जरूरत के मत करिएगा। ये आपको कहीं ना कहीं खतरे में डाल देगा आपकी स्किन को, और ना केवल स्किन को बट बाकी सारे ऑर्गन्स को भी। सो आई थिंक आपके स्किन में त्वचा में पानी की मात्रा को बरकरार रखे। जैसे ये वात प्रधान काल है तो कफ का प्रभाव कम होता है, तो कफ वाला यानी द्रव गुण को बनाकर रखे। आपकी त्वचा को एलर्जी, इरिटेशन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हमें बचाना है बिल्कुल। और फोटो प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा एक जरूरी बन जाता है। और इसीलिए हम लोगों को ये इसे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स जो जिसमें आजकल बहुत ज्यादा विटामिन ई, विटामिन ए और पॉलीफिनॉल्स, फ्लेविनाइड्स है जो कि कोलेजन का डिग्रेडेशन कम करते हैं और सेल रेगुलेटर करते हैं, लाइक रेटिनॉल है, पेप्टाइड है, कुछ ग्रोथ हार्मोन्स भी है जो कि डायरेक्ट इफेक्ट उनका होता है मेटाबॉलिज्म पर, कोलेजन को प्रोड्यूस करने में वो मदद करते हैं। विटामिन सी आजकल आप देखेंगे, थोड़ा सर्च करिएगा इंटरनेट पर स्किन के लिए क्या बेस्ट है, हैलुरिक एसिड करके आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, सारे मतलब एडवर्टाइजमेंट इतनी भयंकर एडवर्टाइजमेंट है जिसमें बहुत दिखाया जाएगा विटामिन सी एंड हैलुरिक एसिड से युक्त ये फेस पैक या फेस प्रोडक्ट्स है जो बहुत दावा करते हैं कि आपके स्किन के पिगमेंटेशन, डार्कनेस को कम करता है बिल्कुल, इसे रेगुलेट करता है, जिसमें पॉलीफिनॉल है, विटामिन से, विटामिन सी बहुत प्रचलन में है। हमने कोरोना पीरियड में विटामिन सी को बहुत खाया,
जो हम सभी जानते हैं कि एक इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है और हीलिंग के लिए भी अच्छा माना, B3E इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि दे आर हैविंग एबिलिटी टू पेनिट्रेट द स्किन, और इसीलिए पेनिट्रेशन करना है हमें, इसके लिए एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी बहुत ज्यादा उपयुक्त तो होता है और उसका आजकल बहुत ही इसमें डाला जा रहा है विटामिन B3 भी, नायसिनामाइड। आप देखिए हम लोग अभी समझ रहे होंगे कि हमारा बैलेंस्ड डाइट का कंसेप्ट क्यों है। विटामिन B3 विच रेगुलेट्स द सेल मेटाबॉलिज्म एंड रीजनरेशन, सो ये भी एक एंटी एजिंग के एजेंट के रूप में यूज हो रहा है। बहुत सारे स्टडी एक्चुअली जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो स्टडीज करके ही बनाते हैं, तो हम लोग इसको गलत भी नहीं मानेंगे, बट ये कितना काम करता है वो भी आप सोचिए। देखिए विटामिन ई टोकोफेरॉल जिसको हम लोग एंटी स्टरलेटिव विटामिन के रूप से जानते हैं, ये भी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद बताया जाता है और ये सूजन को कम करता है। इट इज हैविंग एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट्स, तो इसको भी यूज करते हैं। इट ये जो है विटामिन ई ये स्किन को स्मूथ करता है और स्किन की एबिलिटी, स्किन का जो लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम की ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर को इंक्रीज करने की एबिलिटी इसमें होती है, एंड सो इसके लिए हम लोगों को ये विटामिन सी, B3 आप क्यों यूज करेंगे, सी क्यों यूज करेंगे, B3 क्यों यूज करेंगे, ई क्यों यूज करेंगे, तो इसमें कई सारे इन वीवो स्टडीज हुई है जिसमें ग्रीन टी का भी बहुत अच्छे से काम होता है, तो आजकल ग्रीन टी भी काफी लोग पीते हैं। सेल रेगुलेटर्स में विटामिन ए का बड़ा रोल है, रेटिनॉल हम जानते हैं कि कैरेट पपया इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, तो इसका जो रोल है। केमिकल पील का भी बड़ा फैशन है जो एक प्रकार से स्किन लेयर को जो अनइवन है इसको इवन बनाने के लिए, स्किन को टाइटन करने के लिए, रिजनरेशन रिपेयरेशन के लिए यूज किया जाता है। केमिकल पील्स के भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, सुपरफिशियल पील होता है जिसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड होता है, कुछ लाइपोहाइड्रोक्सी एसिड होता है, फिर एक मिडिल लेयर पर काम करने जो पील की डेप्थ होती है ना, आजकल आपको शीट मिलती है गार्नियर वगैरह कंपनी की, ऐसे शीट आ रही है डायरेक्ट आपको निकालना है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को इंड्यूस करने के लिए, तो डायरेक्ट निकालना है उसको, मास्क के रूप में लगाना है फिर निकाल देना है। ऐसे कई सारे मार्केटिंग प्रोडक्ट्स है जो जितना कितना डेप्थ उसका है और जो मतलब सेलुलर लेवल पर जाकर कितना काम करता है, और जो पील की डेप्थ है उसको भी आप देखिएगा जिसके साथ लाइक हाइपर पिगमेंटेशन भी ना हो या कुछ इन्फेक्शन भी ना हो ऐसे करके। सो इन ये सारा थोड़ा सा मैंने मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि क्या है कंसेप्ट ऑफ स्किन एजिंग इलास्टिसिटी। अभी चलते हैं आगे क्या क्या यूज करेंगे, तो मैं सिंपली बताऊं जैसे मैंने अभी बताया है वात दोष का प्रधान काल है, तो हमें सबसे पहले तो द्रव गुण स्निग्ध गुण आहार विहार के रूप में बढ़ाइएगा। अभ्यंग बड़ा ही बेहद फायदेमंद है, इसमें अभ्यंग के लिए तो हमारा घर का घी, देखिए सोचिए घी विच इज वेरी यूजफुल, तो घी को भी हमने बहुत अच्छे से इसमें यूज कर सकते हैं। घी गाय का घी जो है जो एक गोल्ड माइन न्यूट्रिएंट है स्किन के लिए, और गाय के घी में टोन स्किन का टोन बढ़ाने की इतनी अच्छी क्षमता है, स्मूथिंग एज अरेस्टिंग यानी वय स्थापन के लिए घी खाना घी लगाना, इट इज द बेस्ट स्किन रूटीन एंटी एजिंग फार्मूला है। तो अभी आप जैसे भी हो, अभी किसी का ये सवाल होगा कि घी लगाएंगे तो फोड़े आएंगे पिंपल्स आएंगे, बट आई डोंट थिंक कि आप गाय का घी लगाते हो। हाँ अगर आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव है और उसमें पिंपल्स फोड़े मुखदूषिकाएं है तो संभावना है, बट घी आप तो फिर कोई भी जो भी चंदन चूर्ण है त्रिफला चूर्ण है वो घी में लगाकर आप इसको मतलब घी में ये करके मिलाकर आप इसको लगा सकते हो। सो गाय का घी बेस्ट है। आप इसमें एक छोटी छोटी जो ये है वो भी हम लोग देखेंगे, गाय का घी खाने में रखिएगा। आलमंड्स बेस्ट है, बादाम रोज बादाम को भिगो कर खाना ज्यादा फायदेमंद होता है, बादाम का भिगोवा हुआ जो पेस्ट है वो भी आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। जैसे पार्लर में जाते हो तो आलमंड का फेशियल मिलता है, क्यों ना हम लोग इसी आलमंड के पाउडर को घी के साथ मिलाकर त्वचा पर लगा देंगे तो क्यों नहीं इफेक्ट आएगा। वैसे ही वॉलनट है, सनफ्लावर सीड्स है, ये खाने में भी रखिएगा आयुर्वेद के हिसाब से। फ्लैक्स सीड्स है जो ओज को बढ़ाते, देखिए ओज हम लोग जानते हैं धातु का सार भाग है, जितना शरीर में धातु अच्छे रहेंगे ओज अच्छा रहेगा, ओज जितना अच्छा रहेगा धातु का हानि नहीं होगा।
इसके साथ साथ हल्दी है, हल्दी लगाइए भी, हल्दी रखिए भी खान पान में। अदरक जिंजर बेस्ट फूड फॉर रक्त दुष्टि, क्योंकि जितना रस रक्त का सप्लाई त्वचा को अच्छा रहेगा, रक्त जितना स्वच्छ रहेगा, बिना दूषित रहेगा, उतना आपका आपकी त्वचा का पोषण पावरफुल रहेगा। और स्किन, लिम्फ सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और लीवर, इन सभी पर काम करने के लिए हल्दी, जिंजर, सिनामोन जैसे जो मसाले हैं उसका प्रयोग जरूर करें खान पान में। आप इसको अलग अलग लेपों में भी डाल सकते हो, बिल्कुल इसमें कोई ये नहीं है, जो आपके इसके लिए बहुत ही इसेंशियल माने गए हैं। आजकल गोल्ड का भी बड़ा ये है, गोल्ड इन्फ्यूज्ड फेशियल, गोल्ड इन्फ्यूज्ड रेंज ऑफ कॉस्मेटिक्स आर अवेलेबल इन मार्केट। जो गोल्ड भस्म है, सुवर्ण भस्म है, बहुत ही न्यूरिशिंग है, हम जानते हैं। अभी ये सुवर्ण भस्म लगाना तो ठीक है, गाय के घी के साथ आप इसको लगा सकते, काफी सारे प्रोडक्ट्स में भी ये अवेलेबल है, बट इसके लिए आपको बेस्ट है कोई भी सुवर्ण युक्त च्यवनप्राश का सेवन करना। अभी च्यवनप्राश रसायन के रूप में है, ऐसा मत सोचिए कि च्यवनप्राश खाने से केवल इम्यूनिटी बढ़ती है, केवल ये ठंडी के दिनों में खाना चाहिए। यू कैन टेक, आपका अग्नि अच्छा है तो आप च्यवनप्राश को 12 महीने भी खा सकते हैं, ऐसे कहीं लिखा नहीं है। हाँ, रसायन के रूप में अगर आपको इफेक्ट चाहिए तो वो ऋतु के हिसाब से है, बट फिर भी बहुत सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं, आप भी कर सकती है। च्यवनप्राश ही नहीं तो अलग 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 दूसरे च्यवनप्राश भी है, जो एक रूटीन के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे मैं बता रही कि क्या क्या हम लोग यूज करेंगे इसमें, थोड़ा अभी और ये करेंगे। ब्राह्मी के बारे में मैं आपको बता रही थी, तो ब्राह्मी बेस्ट एक ये है, जैसे कि हर्ब है, जो जैसे मैंने बताया कि ये कोलेजन को प्रमोट करता है। तो ब्राह्मी का, ब्राह्मी वटी एंड ब्राह्मी का चवन अवरलेह भी मिलता है, ब्राह्मी अवलेह भी मिलता है, वो भी आप एंटी एजिंग के रूप में इसका सेवन कर सकती है। आपने जैसे पूछा था कि क्या क्या हम लोग यूज करेंगे, तो इसमें ब्राह्मी सबसे पहले आती है, क्योंकि जैसे इसका उपयोग है, ये एक इसमें जो तत्व है ये रेडिकल डैमेज से बचाता है और प्रीमैच्योर एजिंग के लिए बहुत अच्छा है। और ब्राह्मी स्ट्रेस लेवल पर, एंजाइटी पर भी काम करता है और ओवरऑल ये वेल बीइंग के लिए बेस्ट माना है। ब्राह्मी का जो भी विकल्प है आप खान पान में रखिएगा, आप ब्राह्मी वटी या ब्राह्मी का जो विकल्प है आप इसको भी दे सकती है, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स डैमेज होने से बचाएगा एंड इट विल डेफिनेटली प्रिवेंट द प्रीमैच्योर एजिंग। नेक्स्ट है अश्वगंधा। अश्वगंधा, हम अश्वगंधा को केवल एक इनफर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बट अश्वगंधा ये आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को भी प्रमोट करता है और स्ट्रेस लेवल को भी। और अश्वगंधा एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला है, जो ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है त्वचा में फ्री रेडिकल्स का, उसको भी बचाती है। तो अश्वगंधा अवलेह, अश्वगंधा वटी, अश्वगंधा चूर्ण दूध के साथ पीना, ये आप ऐसा मत सोचिए कि अश्वगंधा केवल शुक्र धातु बढ़ाता है, वाजीकरण का काम करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अश्वगंधा इज ओवरऑल रसायन जो कि सेलुलर डैमेज से बचाता है, एंड सो अश्वगंधा आप रखिएगा इसमें आपके मेडिसिन के लिस्ट में, जरूर रखे अश्वगंधा, ऊपरी नंबर पर ही आपको रखना है। नेक्स्ट है बाकुची। बाकुची का जो एक्सट्रैक्ट है मुख्य रूप से एंटी एजिंग प्रॉपर्टी वाला है। बाकुची में जो रेडिकल रेटिनॉल है, जो कि फाइन लाइंस, यानी आप देखते हैं ना जैसे जैसे एज बढ़ता है तो चेहरे पर रेखाएं आने लगती, कुछ कुछ लोगों में ये जो रेखा है यहाँ का, ये जो एक्सिलरी ये है लाइन है, ये प्रोमिनेंट होती है। ये प्रोमिनेंट होना हम लोग एज की निशानी मानते हैं, वो तो चेंज होता है, फाइन लाइंस कहीं पर भी आ जाती है, रिंकल्स आ जाती है, तो इसके लिए बाकुची बेस्ट है।
आप बापू जी के प्रोडक्ट्स को या बापू जी चूर्ण को लेप के रूप में भी लगा सकती है। आप घी के साथ लगाइएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। बस थोड़ी सेंसिटिविटी, कोई भी हम लोग जो भी कल्प लगाते हैं उसका टेस्ट जरूर करें और फिर उसको ये करें। नेक्स्ट है आंवला। आंवला भी हम वही सोचते हैं कि ये रसायन है बस इम्यूनिटी के लिए, बट ऐसा नहीं। जैसे अभी हमने विटामिन सी की बात की थी, तो विटामिन सी आजकल क्यों यूज हो रहा है, कई सारे कॉस्मेटिक्स में विटामिन सी है, क्यों है? बिकॉज आयुर्वेदा में आंवला, जो इंडियन गुसबेरी के नाम से जाना जाता है, विच आर हैविंग अ ग्रेट प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट, एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स आंवला के हम सभी जानते हैं। आयुर्वेद में तो आंवला 12 महीने खाने को बताया, रोज एक आंवला खाएंगे तो आपका आयु और रसायन, एजिंग सब कुछ अच्छा है, लॉन्गिविटी सभी के, दीर्घायु के लिए भी। और आंवला सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आंवला बूस्ट द कोलेजन प्रोडक्शन इन द स्किन एंड सो आपके लाइंस, जैसे अभी मैंने समझाया था, आप कोलेजन को बचा कर रखिए। आप ऐसा मत सोचिएगा कि चेहरे पर फैट है, चेहरा बड़ा है, मोटा है तो मोटे दिखेंगे, ऐसा नहीं है। उल्टा आप जिन लोगों को देखिएगा ना, जो लोग डाइटिंग करके वजन कम करते हैं, उनकी चेहरे की नमी, उनका चेहरे की प्रभा कांति खो देती, और फिर उनको लगता है कि वजन कम करने के चक्कर में चेहरा खराब दिख रहा है। तो बिल्कुल यही बात है कि हमें फाइन लाइंस को, रिंकल्स को बचाने के लिए अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आंवला ये चेहरे के जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो भी कम करता है, स्किन की इलास्टिसिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो आंवला चूर्ण के बारे में मुझे लगता है हम सभी जानते हैं, तो इसका सेवन कैसे करना है ये भी आप जैसे कल्प के रूप में, लेप के रूप में, आंवले की रसायन के रूप में, जैसे भी हो आप आंवला का रूटीन में आप उपयोग करिएगा बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हम भारत में रहते हैं तो भारत देश के हर घर में आंवला का महत्व जानते हैं। आंवला के कई सारे प्रोडक्ट्स, आंवला कैंडी, आंवला मुरब्बा करके आता है, उसका अवलेह बनता है, जो भी हो ऐसे भी आप इसको ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे रूटीन में जो हम डालना जरूर चाहिए, इसको हम लोग एक बहुत अच्छी ये मेडिसिन मानते हैं, टर्मरिक, हल्दी। हल्दी हम लोग लगाते हैं शादी के पहले, हल्दी की रस्म होती है। क्यों होती है हल्दी की रस्म? हम जानते कि केवल हल्दी रंग को साफ करती, उजाला करती है, बट यही हल्दी ये जो इंडियन कजिन के रूप में हम लोग यूज करते हैं, हल्दी के बिना तो कुछ पकवान नहीं बनेगा। दाल हल्दी के बिना खाना खा सकते, हम लोग सोच भी नहीं सकते। हल्दी इज अ पावरफुल एंटी इंफ्लामेटरी हब, एंटी ऑक्सीडेंट, और हल्दी सूजन भी कम करती है। हल्दी एज रिलेटेड एजिंग को भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है। सो आपने सदियों से देखा होगा जो एडवर्टाइजमेंट आती है टीवी पर, दिखाया जाता है ना ऐसे 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 करके गोरापन, पिगमेंटेशन को कैसे कैसे कम किया जाता है, एक 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 कैसे फोटो दिखाते हैं, इसमें हल्दी जरूर हो। तो आप हल्दी को जरूर इसमें ये करिएगा। नेक्स्ट इसी क्रम में आता है त्रिफला। त्रिफला चूर्ण ये त्रिदोषघ्न है, ये भी सूजन कम करता है, एजिंग को भी डिले करता है। सो घर आपको त्रिफला के अनगिनत फायदे। त्रिफला तो डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, सब कुछ करेगा, यानी एजिंग के साथ जो छोटे मोटे समस्या होती है इसके लिए भी ये काम करता है। सो त्रिफला चूर्ण बालों के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है, बाल धोने के लिए यूज करें, चेहरा धोने के लिए यूज करेगा, आपकी जो भी लेप बनाएंगे उसमें आप डालिएगा। अभी देखिए अलग अलग हम लोग थोड़ा, जितना मुझे इसमें बहुत सारे हैं, बट जो जो हम लोग सिंपल तरीके से यूज कर सकते हैं उसको यूज करते हैं। आंवले का पाउडर लीजिएगा, इसमें शहद डालिएगा, और इसमें कितना डालना है, एक चम्मच शहद, एक चम्मच दही डालिएगा, और ये चेहरे पर लगाइएगा 15-20 दिन के लिए, 15-20 मिनट के लिए, और इसको कंटिन्यू करिएगा। जैसे आपको हफ्ते में 3-5 बार इस आंवला फेस पैक का उपयोग करिएगा, ये बिल्कुल फाइन लाइंस। देखिए हम लोग जो भी शुरू करते हैं ना, 4-8 दिन कर लेते हैं और फिर छोड़ देते कि कुछ फायदा नहीं हो रहा है, बट कोई भी आप सोचिए, जो त्वचा, जो शरीर बनने में 9 महीने लगते हैं, त्वचा कैसे बनती है, साय के जैसे बनती है, तो इस त्वचा के लेयर पर जाकर काम करने के लिए थोड़ा समय तो दीजिए। आपको एक दिन में चमत्कार नहीं मिलेगा, महीने में भी नहीं मिलेगा, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कोई भी कल्प, कोई भी दवा काम करने के लिए तो टाइम लगेगा नहीं। तो ऐसे ही इसका आप आंवला का फेस पैक कर, ऐसे ही आप जैसे आंवला का आपने करा है वैसे ही आप त्रिफला का भी कर सकते हो, ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छे से इसका भी होगा। इसमें आप हल्दी डाल सकते हो,
बाकी भी आप जो इंग्रेडिएंट्स है, एलोवेरा भी बहुत अच्छी है, उसको भी आप डाल सकते हैं। ये एलोवेरा वगैरह आई थिंक मेरे हिसाब से, जैसे मैंने अनुभव किया है, तो सभी स्किन टाइप के लिए भी, जैसे वो आप तीनों दोष प्रकार के लिए, ऑयली ड्राई मिक्सर टाइप ऑफ स्किन के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, वो आप जरूर इसमें यूज करें। नेक्स्ट है एक मंडूक पर्णी करके वनस्पति आती है, और गोटू काला जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी गोटू काला मंडूक पर्णी बुद्धि के लिए और ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। बट ये भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाली है और सेलुलर डैमेज से त्वचा को बचाती है। नेक्स्ट गुड़ुची, गुड़ुची भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी वाली है, जो कि आपका अपीयरेंस यंग यूथफुल, और इसमें एंटी एजिंग के रूप में सूजन को कम, गुड़ुची भी वर्सटाइल हर्ब है, आप जैसे भी यूज करो, गुड़ुची को रसधातु से लेकर कहीं पर भी यूज कर सकते, जैसे मैंने बाकुची का बताया, ऐसा ही एक दूसरा द्रव्य है केशर सैफ्रॉन। सैफ्रॉन हाईली हम गर्भिणी परिचर्या में भी हमने देखा था गर्भ संस्कार के क्लासेस में, कि केशर वाला दूध खास करके जब त्वचा बनती है या वर्ण्य कार्य के लिए तीसरे महीने से, पांचवें महीने से, कोई तीसरे महीने से बताता है, कोई पांचवें महीने से बताता है, एंड ये ट्रेडिशनल मेडिसिन तो हजारों साल से यूज की रही, कोई कुछ ना करे ना करे, बट केशर जरूर दूध के साथ पीता है, क्योंकि हर माँ चाहती कि उसका बच्चा गोरा, बट केशर से केवल गोरापन नहीं मिलता है, ये स्किन टोन को भी इम्प्रूव करता है, टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, ये आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी कम करती है, हाइड्रेशन को प्रमोट करती है, स्किन हाइड्रेशन को। ये सैफ्रॉन यानी केशर, ये विटामिन से भरपूर है, मिनरल से भरपूर है, इसमें विटामिन ए है, सी है, पोटेशियम है, एंड जो एक टॉप एंटी एजिंग सारे क्वालिटीज इसमें है, सो त्वचा एंड एजिंग को रोकने के लिए सैफ्रॉन आप लेप जो भी बना रहे उसमें डाल सकते हैं, सैफ्रॉन दूध के साथ आप सेवन कर सकते हो। सो बाकुची, सैफ्रॉन, ब्राह्मी, आंवला, ये फाइन लाइंस के लिए बहुत ही फायदेमंद ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स है, जो आपको ऐसे लगता है ना आयुर्वेद में कौन से हर्ब्स है जो कि इस प्रकार से काम करते हैं। एलोवेरा का भी है, एक और दूसरा बताती हूँ मैं, जो मुख्य रूप से कुकुम्बर, ककम्बर हम लोग ठंडा यानी शीत गुण का है, इसीलिए पित्त विकारों में या जैसे आजकल तो वजन कम कराने के लिए काफी सारे लोग कुकुम्बर का सेवन करते हैं, बट आपने देखा होगा फेशियल या बाकी सारी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट चलती है तो ककम्बर को आंखों पर रखा जाता है ठंडाई के लिए। कुकुम्बर इज अ नेचुरल एस्ट्रोजन जो कि स्किन को टाइटन बनाता है, और जो स्किन पर देखिए जैसे आपके त्वचा के छिद्र खुल जाते हैं तो त्वचा मतलब एकदम बेजोड़ एंड डल दिखने लगती है, सो इस प्रकार से स्किन को टाइटन करने के लिए और आपके पोर्स का अपीयरेंस कम करने, पोर्स जो खुले है उसको बंद करने के लिए ककम्बर का पैक, आप ककम्बर को खींच कर उसका रस, या आपने जैसे त्रिफला चूर्ण ले लिया उसमें ककम्बर को खींच कर डालिएगा, और उसका मोटा मोटा लेप भी आप लगा सकते हैं, जो कि रेडिकल डैमेज से आपको बचाएगा, स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाएगा, फर्मनेस को बढ़ाएगा, और फाइन लाइंस धीरे धीरे कम होती जाएंगी, एक महीने में नहीं, दो महीने में नहीं, कोई भी कम से कम तीन महीने तक इसका प्रयोग आप जरूर करिए। दूसरा है इसका ऑयल मिलता है, रोजमेरी ऑयल करके मिलता है, रोजमेरी भी कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है, जैसे कोलेजन ये प्रोटीन है जो स्किन की फर्मनेस और इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, एंड इसी प्रकार से एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए आप रोजमेरी ऑयल का भी प्रयोग कर सकते, और ऐसे न जाने कितने सारे हर्ब्स होंगे, बट जो मतलब बहुत ही बेहद अच्छे है, यूजफुल है, इसी को हमने लिया है। कुमकुम आदि तेल जो एक आज फिर सीरम चल रहे उसमें इसका बहुत ही अच्छा है, और बाकुची का भी सीरम आपको मिल जाता है, सैंडलवुड चंदन का भी आपको सीरम मिल जाएगा जो ब्राइटन के लिए यूज करते हैं, रोज का भी मिल जाता है मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट, इसमें से सही प्रोडक्ट चुनना आपके स्किन टोन के हिसाब से या लाइक आपके एज के हिसाब से, ये थोड़ा सा आप सर्च करके अच्छे से उस पर अभ्यास करिएगा। अभी इंटरनल मेडिसिन क्या दे आपको, जो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे लगता है ब्राह्मी च्यवनप्राश, रेगुलर सुवर्ण च्यवनप्राश और शिलाजीत वटी, आमला की रसायन, इसको कंटिन्यू करने के लिए कोई समस्या नहीं है,
ये आप बिना कोई विशेष से भी आप इसको ले सकती है। ब्राह्मी एक च्यवनप्राश है, अम्ल की रसायन तो आपको ओवरऑल सभी मतलब बालों के लिए भी, केवल चेहरे के लाइंस को नहीं कम करना, एंटी एजिंग यानी सभी मायने में एंटी एजिंग होना चाहिए, यानी बाल भी अच्छे रहने चाहिए और आपकी शरीर की इम्यूनिटी, ताकत, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस सब कुछ अच्छा होना चाहिए। एंड सो इस सभी को आप अपने रूटीन में डालिएगा और बिल्कुल ये एजिंग को धीरे धीरे कम करेगा। इसमें से सही आपको चुनना है कि आप क्या यूज करेंगे, और आयुर्वेद में अलग अलग जो ये मैंने अभी बताए थे सारे, उसका आप कंबाइन करके जो लेप है उसको बना सकते हो। आपको एक आयुर्वेदिक का आयुर्सन करके जो प्रोडक्ट कंपनी है, फार्मा कंपनी है, इसका लेप मिल जाता है, संधानक लेप करके मिल जाता है, बहुत अच्छा है वो भी। आप दिन में 2 बार इसको यूज कर सकते हैं एंटी एजिंग के रूप में, के रूप में ही आपको सभी एज ग्रुप के लिए ये फायदेमंद है। वैसे तो कोई इसमें समस्या नहीं दिखती, इसका फेस पर आप पेस्ट लगा सकते हो जो फायदेमंद होगा, बट जैसे आप इसको यूज करने से पहले ये करके देखिएगा, टेस्ट करिएगा जरूर कि आपको ये सुटेबल है क्या नहीं, जिसके लिए आप कान के पीछे भी टेस्ट कर सकते हैं या आपके हैंड पर, फोर आर्म पर भी आप इसका टेस्ट करके खुद से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको ये सुटेबल है या नहीं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कुछ गिने चुने जो आयुर्वेदिक हर्ब्स है उसको यहाँ पर मैंने बताया है, और बाकी एक्चुअली मुझे लगता है कि ये सारे तो बेस्ट ही है और बहुत सारे भी है। आप कुछ होम रेमेडीज, नीम का भी बहुत अच्छा रोल रहता है, नीम कैप्सूल्स भी काफी फायदेमंद होती है, त्रिफला एक्सट्रैक्ट की टैबलेट मिल जाती है जो ओवरऑल सभी के लिए बेस्ट काम करेगी, वो भी आप यूज कर सकती हो। अश्वगंधा की भी टैबलेट मिल जाती है, वो भी आप यूज करिएगा। कुमकुम तेल है, हरितकी का भी चूर्ण जो है पाउडर है, ये भी चरक संहिता में जो एजिंग के बारे में बताया है उसमें भी एजिंग बेनिफिट्स के लिए बहुत अच्छा है हरितकी का पाउडर। आप शहद, दही या बाकी सभी के साथ मिलाकर इसको यूज कर सकती है। बाकी निर्मली वगैरह ब्लड प्यूरिफायर आता है उसको यूज कर सकती है, चंदन यूज कर सकती है, चंदन आदि लेप लगा सकती है, जो एंटी रिंकल भी है, आप गुलाब के पंखुड़ियों का प्रयोग कर सकती है जो भी फायदेमंद होगा। जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं वो गुलाब की पेटल्स को भी इसमें मिला सकते हैं। आप ब्राह्मी या अमलकी का अगर बना रहे हो तो उसमें आप गुलाब जल या घर के आपके आंगन में जो गुलाब होता है उसके पेटल्स को लेकर पानी में भिगो कर इसका प्रयोग आप करिएगा, आपके पिगमेंटेड स्किन को फेयर बनाने के लिए। इसी के साथ साथ जो हमारे ये है यानी ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड कैपिलरीज है, इसको भी ये अच्छे से ये करता है यानी प्रवाहित करता है, जो ब्लड सप्लाई अच्छा रहेगा। तो आप वो कंसेप्ट को भी रखिएगा कि स्रोत अवरोध को कम करें, जितना स्रोतसों में अवरोध रहेगा उतना ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा और आपकी स्किन ईची डल बन जाएगी। तो स्किन को चमकाने के लिए, एजिंग को डिले करने के लिए आपको ओवरऑल अगर चाहते हो तो शरीर शुद्धि, पंचकर्म, विरेचन करें, और विरेचन के बाद अगर या आम पाचन करके हल्का विरेचन लेकर अगर आप कोई ये करते हो, एजिंग करते हो, क्योंकि एजिंग अलग अलग है, सेलुलर एजिंग जैसे मैंने बताया, हार्मोन्स का भी बड़ा रोल रहता है महिलाओं में, खास करके एजिंग को लेकर हार्मोन्स का काफी रोल रहता है, तो हार्मोनल लेवल पर भी देखिएगा। मेटाबॉलिक एजिंग भी होता है, आपके जो मेटाबॉलिक ऑर्गन्स है यानी लीवर और बाकी ऑर्गन्स भी धीरे धीरे एजिंग की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं जैसे मैंने बताया, ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करे, जेनेटिकल भी रोल होता है, हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं तो भी स्किन सेल को डैमेज करते हैं। जैसे इस्ट्रोजन देखिए, इस्ट्रोजन का कम होना भी महिलाओं में स्किन एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग इस्ट्रोजन के साथ खेलेंगे नहीं, इस्ट्रोजन इज वेरी डेंजरस। इस्ट्रोजन को नेचुरल रखिए, जितना है उतना रखिए, ना उसको बढ़ाए ना उसको कम करे, क्योंकि उसको बढ़ाने से फिर अलग समस्या होती है, और इसीलिए ये नेचुरल होता है कि एस्ट्रोजन कम होना तो आपका सेल की इसकी ये बदलाव आएगा। सन पोल्यूशन, न्यूट्रिशन और बाकी स्मोकिंग, अल्कोहल, ये भी इसमें जरूर आप इसको ये करें, और आप अपने आप से ये सारा, बनाना मास्क भी बहुत अच्छा काम करता है,
जो बहुत ही अच्छा फायदेमंद होगा। आप एक आधा बनाना लीजिएगा और इस आधे बनाने को स्मैश करके, आधे बनाने को स्मैश करके बस आप 15-20 मिनट के लिए अप्लाई करिएगा थीम पेस्ट आपके त्वचा पर। बनाना में पोटेशियम विटामिन बहुत अच्छे हैं। जो लोग अंडा यूज करना चाहते हैं एक का भी यूज कर सकते हो। जो कोलेजन प्रोडक्शन के लिए, रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा है। ऑलिव ऑयल का भी एक बड़ा चलन है, वो भी आप लगा सकते हैं। दही जरूर लगाए, दही ये प्रोबायोटिक है। तो मैंने कहीं पर पढ़ा कि हम लोग शगुन के लिए दही हाथ में दे, तो दही ये एक जंतु रोधक है, इसीलिए दही एक शुभ शकुन, ये जंतुओं से बचाने के लिए भी हम लोग ये शुभ काम के लिए देते हैं। तो त्वचा पर लगाने से कितना शुभ काम होगा सोचिएगा। तो इस प्रकार से कफ लेवल को मेंटेन करें, वात का प्रकोप होने ना दे। तो आप सभी से भी, जो भी हमारे फेसबुक के दर्शक हैं डॉक्टर्स से, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूं कि आप भी डालिएगा कि आपका क्या अनुभव है। डॉक्टर स्मिता देशमुख, डॉक्टर हर्षा जी, सभी जो भी सारे डॉक्टर्स है। सो एंटी एजिंग इज नॉट अ चमत्कार, इट्स अ प्रैक्टिस, ये एक तपश्चर्या है। और इसी को आप वात पित्त कफ के एंगल से देखिएगा, आपके स्किन को पहचानिएगा। संधानीय गणों का प्रयोग करें, संधानीय द्रव्य भी आप यूज कर सकती है, वृणरोपण द्रव्यों का भी प्रयोग कर सकते हैं। शोफर द्रव्यों का भी प्रयोग करें, बाकी चंदन वगैरह ऑयल है आपके पास, कई सारे, देखिए कितनी बड़ी लिस्ट हो जाएगी। ऑयल्स में दाड़िम है, रोज है, इसका भी आप यूज कर सकते हो। बाकी तो आपको लाइक चेहरे को दिखाने के लिए सिंहासन कर दिया, सिंह मुद्रा, लायन पोज, विच इज वेरी मच बेनिफिशियल, बहुत ही बेनिफिशियल है ये लायन पोज। बहुत अच्छे से लायन पोज से आपके ये जो है ना लाइक एजिंग को प्रिवेंट करता है। और लायन पोज सिंहासन ये थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को बूस्ट करता है। नेक स्ट्रेचिंग भी अलग अलग टाइप से, ऊपर लेना इधर उधर करना, ये भी काफी अच्छा होता है। हस्तपादासन करिएगा, ये नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। वॉरियर पोज, वीरभद्रासन, जो आपके ओवरऑल लेग लोअर बैक पोस्चर को अच्छा रखने के लिए उपयुक्त होती है। अधोमुख शवासन, ये भी बूस्ट सर्कुलेशन को बूस्ट करता है। बो पोज, धनुरासन, जो आपके मसल टोन को अच्छा रखती है। कपाल भाति तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मेमोरी एंड बाकी सभी के लिए, ब्रेन के लिए भी, और आपके आंखों के नीचे वाला जो कालापन है इसके लिए भी कपाल भाति बहुत अच्छी है, तो आप इसको जरूर अपनाए। सो आई थिंक रोज त्वचा को साफ रखना, क्लींजिंग रूटीन, माइल्ड कोई भी फेस क्लींजर या त्रिफला चूर्ण से धावन करे, त्वचा को जितना साफ रखे उतना करे। खान पान की आदतें आप जैसे सन से बचाव करें, मॉइस्चराइजर त्वचा की नमी को रखे, इसके लिए आप घी से लेकर जो भी आपका कोई कॉस्मेटिक फेवरेट हो उसको लगाए। आपके एंटी एजिंग प्रोडक्ट जो भी आज ओले वगैरह कंपनियां का आप अगर यूज कर रही होती है तो उसको जरूर पढ़े, जिसमें सीरम है, जेल है, जो भी है, इसमें विटामिन सी है क्या, रेटिनॉइड्स है क्या, हाइड्रोक्सी एसिड है क्या, जो भी है, पेप्टाइड्स है क्या। यस मैम, बोलिए संपदा जी, और भी काफी है बट अभी जैसे केस भी डिस्कस करनी है मंदाकिनी जी की, तो बोलिए संपदा जी, अर्शिया जी। थैंक यू मैडम, बोलिए। हाँ शिल्पा शेट्टी, ओके, क्या डाला है मंदाकिनी जी, बोलिए शिल्पा शेट्टी क्यों याद किया डॉक्टर मंदाकिनी। हाँ जी बोलिए मैम। मैम ये हमारे रिलेटिव्स हैं तो उनको बहुत दर्द होता है ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत ज्यादा, तो उनको क्लॉटेड ब्लीडिंग ज्यादा होती है। मैंने पूछा फ्रेश रेड होती है या फिर ब्राउन होती है, तो बोली रेड होती है। उनको एक्चुअली एडी में भी दर्द होता है, तो वो के लिए भी दिखा रही थी, तो उनको ये सर वगैरह बढ़ा रहता है, जुकाम वगैरह के भी प्रॉब्लम रहता है जब वो दही वही खा लेती है, तो
तो ये सारा कुछ प्रॉब्लम उनके साथ भी पहले चल रहा है और उनको पेट में दर्द रखा, जैसा कि अल्ट्रासाउंड में दिखाया है कि लिम्फ एडिनोपैथी वगैरह है मैम, तो उसका वो ट्रीटमेंट ले रही है, तो वो अभी ठीक हो गई है। पर अभी उनका प्रॉब्लम ये है कि उनके डॉक्टर ने बोला है कि 3 महीने हम इलाज करेंगे, अगर नहीं आराम पड़ेगा पीरियड्स में तो आपको फिर ऑपरेशन कराना है, तो वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहती है। तो मैम यही है रिपोर्ट जो मैंने शेयर की है, सब बताया हुआ है, तो अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं। हिस्ट्री पूछनी है तो पूछिए पेशेंट की, एज क्या बताया मैम आपने? 50 मैम, इनकी एज 50 के 49 है, हाँ। मीनोपॉज में जाने वाली भी है, लेकिन वो ये कह रही है कि इतना दर्द इतना ज्यादा होता है कि मुझे टेबलेट खाना पड़ता है, तो फिर बंद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर तो अभी उसको केवल यही समस्या है। हाँ मैम, यही दर्द है। एडिनोमायोसिस बताया है क्या रिपोर्ट में? जी मैम, एडिनोमायोसिस बताया। अच्छा, पेट दर्द है उसको। विरेचन कुछ दिया मैम? बार बार अभी मैंने कुछ भी नहीं दिया है, वो बहुत दूर रहती है तो मुझे फिर उनको भेजना ही पड़ेगा, उनको बार बार यूरिन में प्रॉब्लम होती है, पानी पिए या ना पिए उनको टॉयलेट बहुत ज्यादा होती है, जबकि उनके रिपोर्ट्स में तो कुछ भी नहीं है। नहीं वो तो ठीक है मतलब, बट मुझे लगता है ना इसमें आम पाचन करे, मांस पाचक दे, जी मांस पाचक, विरेचन दीजिएगा इसको, क्लासिकल विरेचन दीजिए मैम, इसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। एडिनोमायोसिस में ना क्लासिकल विरेचन दे। वो मैम ने कैसे होगा, मैं यहाँ कहाँ दिल्ली नोएडा हूँ, कहाँ झारखंड में अच्छा नहीं दे सकते क्या? नहीं मैम, क्लासिकल नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो फिर वो क्या चाहती है कि आप केवल दवा दे? हाँ दवा दे, या फिर अगर आप, या फिर मैं उनसे ये कहूँ कि आप आस पास में जाओ पंचकर्म के लिए, लेकिन वो हाँ गांव का एरिया है तो मुझे तो लगता नहीं है मुश्किल है, क्योंकि झारखंड में तो इतना है नहीं है ना उसका हाँ। आयुर्वेद का प्रचार प्रसार। अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं, बताइए और किसी किसी को क्या इसमें दे। मुझे लगता है आम पाचक वटी तो स्टार्ट करिएगा आप, इसको आम पाचन तो कर लेते हैं, आरोग्य वर्धिनी गैस भी आम पाचक वटी, की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है उनको। गैस की ना, वही वही आम पाचन हो जाएगा तो ये हो जाएगा, आम के कारण हो रहा है ना, जी आम पाचक दीजिएगा। मंदाकिनी मैम, गुड इवनिंग मैम, सब लोग। हाँ गुड इवनिंग, नमस्ते, बोलिए। मैम ये जो केस बोल रहे हैं ना, मेरे पास भी एडिनोमाइसिस थे, पर उसने बीच में भी छोड़ दिया ना, पहले से 2 महीने वो पेन हाँ बहुत सिवियर रहता है मैम। यस मैंने तो टैब टैब मेरा, मैंने आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है भी, मेरे पेपर में होगा वो, देखे उनका पेन कम किया, पर बाद में उनको है ना बीच बीच में मतलब बहुत कम हो गया पेन से, वो पंच भौतिक चिकित्सा जैसा दिया था, पर है ना फिर वो पेशेंट नहीं आया क्योंकि उसको बहुत दूसरे कॉम्प्लिकेशन, गॉल ब्लैडर, रीनल, किडनी सीज, ये स्टोन वो स्टोन, और ये ऊपर से ये वाला था पेन, और ये मैंने देखा साइज नहीं कम होती। मैम आप बोल रहे विरेचन नहीं देगी, इधर बस्ती वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा पेशेंट तैयार नहीं था, मतलब अच्छा टैबलेट से क्योर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यस 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 तो मैम बस्ती, अगर अगर आप एडवाइस करना चाहते हो तो किसकी बताओ, एटलीस्ट हम इतना तो बोल सकते हैं तो कि आप वहां जाके कहीं से अपना जुगाड़ करो, बस्ती कहीं से ले लो, बोल वही तो मत सकते हैं, पंचकर्म उसके ऊपर हम डाल सकते हैं। तो मैम किसमें हम क्या चीज देंगे बस्ती? हम दे सकते हैं ना, तेल से ऐसा चर तेल का शीरवला तेल ऐसा ये करके आप दे सकते, सहचर तेल का तो दे सकते हैं मैम उसको। अभी ना मुझे क्या लगता है, हाँ वो तो बस्ती करिएगा आप, सहचर तेल का या चंदन बला लाक्षादी का करिएगा, लाइक एजिंग है ना उनका और हेवी ब्लीडिंग हो रही थी, तो चंदन बला लाक्षादी का ठीक रहेगा। इसलिए अभी एक ये आता है कैप्सूल गायनोवेदन करके, पेन कम करने के लिए अच्छा। अच्छा है वो तो कैप्सूल गायनोवेदन। मैम रुको रुको, मैम जो मीनोपॉज वाला एज है, तो ये तो इनकी मम्मी का जो था वो 55 तक बंद हुआ था, तो हम 55 के बाद क्या मतलब बंद हो पाएंगे ये, मतलब ब्लीडिंग वगैरह या कुछ यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ में ये ठीक हो पाएगा क्या? यस हो सकता है, क्यों नहीं होगा, बट अभी जैसे ना उसका जैसे देखिए ना, अभी बाकी छोटे जो समस्या है, गैस बन रहा है या आम पाचन करेंगे हम लोग, इसको विरेचन दे देंगे और थोड़ा 1 महीने का टाइम, 2 महीने का टाइम देकर देखेंगे ना इसमें। तो मैम ये जो क्लॉटेड ब्लीडिंग है इसके लिए क्या, ज्यादा क्लॉटिंग हो रही है ना? हाँ ग्रंथिभूत हुआ है, ग्रंथि रजोदुष्टि है, रजोदुष्टि है, रसपाचक और कभी दीजिए कभी मैम आप, हाँ रक्तपाचक रस। यस yes, यस yes. और कभी कभी ये मेनोपॉज के साथ भी होता है ना मैम, जैसे क्लॉट्स आना, जी
तो आम पाचन करेंगे ना, तो आई थिंक ये भी कम हो जाएगा। आम पाचन दशमुलारिष्ट वगैरह चला सकते हैं। यस यस, दशमुलारिष्ट और ये दीजिएगा इसमें सुकुमार कषाय और दशमुलारिष्ट दोनों को मिलाकर दीजिएगा, दोनों एक 10-10 ml ऐसे दोनों को मिलाकर। तो सुकुमार कषाय कैसे इस पे भी काम करेगा, DUB पर काम करेगा, एंड दशमुलारिष्ट पेन के लिए काम करेगा। आप इसको त्रयोदशांग गूगल भी दे सकते हो, जो पेन के लिए बोल रहे हैं ना, पेन के लिए। तो मैम ये दशमूल और सुकुमार कषाय ये हम फुल मंथ देंगे या फिर मतलब पीरियड आने से पहले देना है? अभी आप स्टार्ट कर दीजिएगा इसे, आप अभी कर दें, फिर जब पीरियड आए तो हम उनको बोलेंगे आप स्टॉप कर दीजिए, है ना? यस, सुकुमार कषाय स्टॉप कर दीजिएगा, दशमुलारिष्ट चलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी कुछ कुछ लोगों, अभी कब आया था उसका डेट, कब था पीरियड, कब आया था? अभी ये आया था एक हफ्ते पहले आया था। अच्छा ठीक है, ठीक है मैम, फिर इतना करते हैं। त्रयोदशांग गूगल भी दे सकती है, वो भी दीजिएगा अच्छा रहेगा, 2 BD दीजिएगा जी। त्रयोदशांग गूगल तो इसको मैम अभी दशमूल कुमार कषाय वगैरह ये सब बिफोर बिफोर खाने खाने के पहले रखो ना। यस यस यस, अरिष्ट है तो बाद में दीजिएगा, खाने के बाद दशमुलारिष्ट और सुकुमार कषाय खाने के बाद दीजिएगा। मैम ऐसा कैसे हम लोग मतलब ऐसे वो करें कि अरिष्ट हमें खाने के बाद देना है या फिर ये नहीं, हमारे इसमें शास्त्रों में लिखा है ना, अरिष्ट आसन हम लोग खाना खाने के बाद ही देते हैं, तो इसका रिजल्ट अच्छा होता है। अच्छा, क्योंकि वो थोड़ा हैवी भी हो जाता है, डाइजेशन जल्दी नहीं होता ना उसका, इस वजह से। हाँ बस शास्त्र के हिसाब से तो खाना खाने के बाद ही इंडिकेट होगा, वैसे तो अभी औषध काल के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है। सहचर तेल की मात्रा बस्ती या चंदन बला लक्षादि की 50 ml से शुरू करिएगा, उसको आप अगर दिला सकते तो बेस्ट रहेगा। अभी समझ आया आपको क्या क्या करना है? आम पाचन, रस पाचन, रस रक्त पाचन देना है, आरोग्य वर्धिनी, उसमें हम रस पाचक, रक्त पाचक और मौन पाचक भी ऐड कर सकते हैं। और चूंकि दूर है तो एक विरेचन दे सकते हैं, सौम्य विरेचन तो दे ही सकते हैं, उनको बोल देंगे तो वो ले लेंगी विरेचन मिट्टी वगैरह कुछ। और दर्द कैसा है, देखिए पेट दर्द कैसा है, यानी उसके अब नहीं है पेट दर्द, एरिया में है या कहाँ पर है दर्द? पेट दर्द वो तो नीचे, जब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ना उनको नीचे होता है, पेल्विक पेन होता है। अच्छा, शंखवटी भी दे सकते, गैसेस वगैरह बन रहे तो पेशेंट को जी। तो ये प्लान करिएगा मैम, रिजल्ट आएगा आपको निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, आम पाचन से ही पेशेंट का दर्द कम हो जाएगा। वजन तो ठीक है, वजन तो सिमटी नहीं है, ठीक है, बस ये है कि अकेले घर की महिला है वो, और वो मतलब ज्यादा उनके ऊपर स्ट्रेस रहता है काम का, तो कहते कह सकते हैं कि हमको उसमें ब्राह्मी नरवाइन तो उन्हें कुछ भी ऐड करना पड़ेगा। ब्राह्मी वगैरह ऐड कर लेते हैं मैम, कर सकते हैं ना ब्राह्मी का, ये करिएगा ब्राह्मी बटी या सारा सतारिष्ट भी दे सकते हैं। निद्रा वगैरह कैसी है पेशेंट की? हाँ वो तो ठीक है, निद्रा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ब्राह्मी दे सकते हैं। मोशन के टाइम क्या प्रॉब्लम होता है ना कि जैसे कि इनको टॉयलेट आया तो जब भी टॉयलेट जाने के लिए नहीं सॉरी जैसे इनको सवेरे के टाइम वो जैसे वो मोशन आता है तो वो जब जाने के लिए चलती है ना तो उनके एरिया में दर्द हो जाता है, तो धीरे धीरे जब जैसे बढ़ेगी तब तक टाइम लग जाता है और फिर इनका जो है मोशन रुक जाता है, फिर नहीं होता है ढंग से। और वो कुछ दूसरी भी केस के बारे में बोल रहे थे ना? नहीं तो कोई केस तो नहीं था, यही था मैसेज डाला था ना ग्रुप पर, यही यही केस था, इसी के बारे में पूछ रही थी। यस यस ओके, और बोलिए मैम, ये आपने वही रिपोर्ट डाला था ना, सारे रिपोर्ट्स एक ही पेशेंट? हाँ हाँ, वो एक्चुअली मैंने रिपोर्ट डाला ना तो फिर किसी ने नीचे कमेंट कर दिया, तो मैंने कहा लो इकट्ठे ही सारे डाल देती हूँ, फिर मैंने सारा फिर उसका हिस्ट्री लिख के फिर सारा एक साथ डाल दिया। अच्छा क्या डा? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे तो एडिनोमायोसिस डायरेक्ट दिया है, बल्कि यूट्रस वगैरह, तो बल्कि यूट्रस के लिए मैडम बहुत अच्छा रहेगा अपना आम पाचन करके, ये जो सारा दिया है आरोग्यवर्धिनी वगैरह बेस्ट रहेगा। और किसी को कुछ ऐड करना हो तो बताइए, और एजिंग के लिए क्या देती है वो भी बताइए थोड़ा। मैम जपा कुसुम का मैंने अभी जपा कुसुम के लिए बोला था ना, अभी एजिंग के लिए उसका भी तेल वगैरह आता है तो काफी अच्छा रहता है एजिंग के लिए। अच्छा ओके
उसको मैम बहुत मैंने देखा है इधर काफी यूज करते हैं, पाउडर को ना दही में मिला करके लगाते हैं। तो जैसे आप क्या लगाती है चेहरे पर, आपका चेहरा बहुत चमकता है, बताइए। डॉक्टर माधुरी, संपदा, अर्शिया जी, मैडम एडिनोमायोसिस के पेशेंट में चंद्रप्रभा और सूक्ष्म त्रिफला भी ऐड कर सकते हैं ना? सूक्ष्म त्रिफला भी बेस्ट रहेगा, यस, इसके लिए ना बल्कि यूट्रस के लिए बेस्ट रहेगा सूक्ष्म त्रिफला, वेरी करेक्ट। यूट्रस साइज 11 सेंटीमीटर, यस, चंद्रप्रभा भी बहुत अच्छा काम करेगी, बेस्ट। आपका बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया संपदा जी, आयुर्वेद का नॉलेज आपकी वजह से हो गया, ऐसा कुछ नहीं। बोलिए माधुरी, डॉक्टर माधुरी बोल। नहीं, आप जो बल्की यूट्रस बोल रहे हैं मैम, एक्चुअली एज होने के बाद, बच्चे होने के बाद होता है बल्की यूट्रस, उसका कोई ट्रीटमेंट जरूरी नहीं करने का, क्या है क्योंकि वो लूज इलास्टिसिटी हुई रहती है ना, तो फिर इशू नहीं होना चाहिए वो बल्की है, बल्की वो रिपोर्ट में आ जाता है, ठीक है, मेनोपॉज एज में बल्की आता है, हर, मुझे लगता है हर तीसरे रिपोर्ट में बल्की यूट्रस आता है, कहता ही है मैम। यस, और बोलिए, ग्रंथिराज फॉर्मूला भी दे सकते हैं ना, उसको ब्लीडिंग भी है आपके पास, एक डालिए जरा, कर सकता ग्रंथिराज फॉर्मूला। हाँ मेरे पास था, उसमें ये है पाठा इंद्रिय वो त्रिकटु, वही वही त्रिकटु में क्या है, फुटकर जब भी आ रही है त्रिकटु में सुंठ मरीच पिंपली, हाँ बराबर, और पाठा और इंद्रिय, तो ये आम पाचन भी कर देगा, अगर आम पाचक वटी की जगह भी देना चाहो तो, और उस पर ग्रंथि वगैरह पे भी कार्य करेगा, तो ये भी दे सकते, ठीक है। और किसी का कुछ, मैम वरुण और जस का शिग्रू का क्वार्क ये कहाँ मिलेगा, ये वो काम करेगा ना, उसमें शिग्रू भी करता है मैम वो, एक्चुअली ना शिग्रू भी कुछ ना होना है तो लिख, क्वार्क बनाना पड़ेगा या मिलता है बना बनाया, नहीं क्वार्क का भी मिलता है, वरुण साल और शिग्रु मूल शिग्रु का चूर्ण मिलता है आयुर्वेदिक भंडार, अच्छा, बनाने का बोलने का पेशेंट को पास बनाओ चूर्ण दे दे, वरुण अभी काढ़ा तो मिलता है मैम रेडीमेड, वो तो है वरुण तो काफी, मैंने वर्णन सुना है ना वो गांठ को हटाने के लिए, ओके चलिए अच्छा लगा आज की, बट एंटी एजिंग फॉर्मुलेशन किसी ने बताया नहीं, डॉक्टर कुसुम जी आप बताइए, कोई बहुत बता नहीं रहा है सीक्रेट, ब्यूटी सीक्रेट्स क्या लगाते हैं, क्या लगाना चाहिए मैम, गंधक रसायन लिया ना रसायन काल में तो अच्छा होता है, स्किन अच्छा होता है, मैंने भी किया है, आरोग्य वर्धिनी भी अच्छा रहता है मैम, और yes. दूसरा मैम ये अर्जुन छाल वचा चूर्ण है ना, दैट वी कैन अप्लाई, वेट हैप्पीनेस, एग्जैक्टली हैप्पीनेस, बिल्कुल हैप्पीनेस, स्ट्रेस फ्री रहना, अच्छा खाना, अच्छा विचार, व्यायाम, सब कुछ चाहिए, केवल चेहरे पर लगाने से कुछ नहीं होता, अंदर से चाहिए सब कुछ, एग्जैक्टली। खुशबू जी कैसी है आप बहुत दिनों के बाद, ओके चलिए मैम, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो आज के लिए रुके, फिर संपदा जी, यस मैडम, थैंक यू वेरी मच, या ओके, पेशेंट बहुत आ गए, पेशेंट बहुत आ गए, नहीं नहीं एंटी एजिंग के लिए, हाँ एंटी एजिंग के लिए तो मैम देखिए जैसे मैंने बताया ना सब तरीके से करना होगा, अंदर से भी काम करना होगा, केवल ऊपर से करके भी नहीं होगा, बहुत सारे हैं इसमें चिंता रहित, देखिए सारे बोल रहे चिंता तनाव मुक्त रहे, हैप्पीनेस, ये सीक्रेट्स है सभी के, अच्छा लेक्चर, ओके चलिए फिर, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, यस थैंक यू, ओके नमस्कार।